हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर जय आज सुबह सुबह बना रहे हैं बेसन के पकोड़े। सब्जियाँ इन्होंने क्या ली हैं मुझे नहीं पता, मैं अचानक से आई तो ये लोग हैं ना यहाँ पे वीडियो भी शूट कर रहे थे और ख़ुद बना रहे थे। मैं ना झाड़ू पोछा करके बस जा रही थी, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने आके देखा, मैंने कहा अरे वाह क्या बात है। मैंने कहा बाप बेटी दोनों मिल के यहाँ पर लगे हैं अपने खाने पीने की तैयारी में। तो यहाँ पर अभी इन्होंने बेसन डाल दिया, सब्जियाँ डाल दी हैं, नमक डाल दिया है, और उसके बाद अब क्या डालने वाले हैं क्योंकि मुझे पता ही नहीं है इन्होंने क्या क्या डाला है। तो मैं तो अब वीडियो में देख रही हूँ। अब अच्छा, इन्होंने यहाँ पे डाली है लाल मिर्च का पाउडर, और ये तीखी वाली मिर्च है ना इसलिए इन्होंने कम डाली होगी। और यहाँ फिर मैं आ गई, फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डाल दी है हल्दी। चलो आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि ये बेसन के पकौड़े कौन बना रहा है। टिंग टिंग, ये बना रहे हैं टिंग टिंग, क्योंकि बरसात में तो यही बनाते हैं। बताए मैं बनाती नहीं हूँ, मुझे तो ना ये चीज बिल्कुल बिल्कुल नहीं, यानी थोड़ी बहुत पसंद है, बट इनको बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे भी, इसको भी पसंद है। तेल नहीं बनाए, ये गुस्सा हो रहा है, बोलता है छुपे छुपे मम्मी मुझे गोदी में लेके मेरे साथ खेलो। और मम्मी जा रही है नहाने, हाथ में टॉवल लेके खड़ी है। जल्दी उठता नहीं है, जल्दी उठता नहीं है, ये चीज गुच्छा गुच्छा गलता है मम्मी से। फिर रात को नींद नहीं आती है, ये जो बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है रोज रोज। तो यहाँ पर है ना पानी भी डल चुका, अब इसका घोल रेडी हो रहा है। नमक डाल दिया, कहाँ लगी मेरी बेटी के, कहाँ लग गई? बहुत गंदी है। मैं बहुत गंदी हूँ। अरे बेटा क्या करूँ, पापा तो अच्छे हैं। पापा भी गंदे, जब वो साथ ये टी शर्ट पे क्या लगा के लाए हो, देखो ऐसे लग रहे जैसे गंदी हो गई है बारिश के टाइम पे। तो अभी पता है ये इनमें से कोई भी नहीं नहाया है, मैं तो भाई नहा कर आऊंगी, उसके बाद पूजा करूंगी, तब कहीं खाऊंगी। और तुम बना रहे हो कि मैं बना के जाऊं? मैं अपने लिए बना लेता हूं, तो अपने लिए बना लेना। ऐसा मत करो, देखो क्या कह रहे हैं, मैं अपने लिए बना लेता हूं, तू अपने लिए बना लेना। तो फिर तुम ऐसा करो, तुम ये बनाओ, तब तक मैं नहा कर आ जाती हूँ जल्दी से। हाल तुम्हें लेट हो जाएंगे, पूजा भी करनी है। सावन के महीने में ना पूजा करना मुझे बहुत पसंद है। हाँ बस इतना बहुत है, ज्यादा कौन खाएगा? ये थोड़ा है, बहुत ज्यादा है ये। अच्छा थोड़ा ही है। देखो पापा की चमची वहां जाके बैठ गई। थोड़ा पानी और डालो, ज्यादा गाढ़ा है। मम्मी के लिए नहीं बनाना, पापा मेरे लिए बना देना। मुझे तो अभी भी गाढ़ा लग रहा है, इतना गाढ़ा थोड़ी नहीं बनता है। अरे इसने फैन चला दिया। सरसों के तेल में बनाना, हट जा रू साइड में। बेटा बेटा तुम्हारा दूध ठंडा हो रहा है। मोलू ये लीजिए कढ़ाई। अब ठीक है? हाँ थोड़ा सा लिक्विड ही होता है। हाँ आप सही है, पहले ज्यादा गाढ़ा था। तो आप लोग भी बनाइए सावन में, इस तरह के सावन में नहीं यानी बारिश के टाइम पे इस तरह के पकौड़े, और इंजॉय करिए बारिश को, क्योंकि बाहर बारिश भी हो रही है। चलो आपको बारिश भी दिखाते हैं इनके साथ साथ, तब तक वो कढ़ाई में तेल वगैरह डालेंगे। और यहाँ पर मेरे तो हाँ आए बेटा, मशीन में पानी भर गया। मुझे टॉवल नहीं देगा, आप मेरे साथ खेलेंगी तब आपको अंदर आने दूंगा, और मैं आपको टॉवल भी नहीं दूंगा, है ना? हाँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो आज देखिए बारिश, मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया पूरा अच्छे से, इसको सुखा दिया और बारिश हो गई, फिर से मेरा काम खराब। और आज है ना सारे प्लांटर है ना प्लांटर्स, वो मैंने जैसे स्टैंड के अंदर रख दिए क्योंकि अच्छे लगते हैं, लेकिन डर लग रहा है कि कोई बंदर गिरा ना दे और सारे टूट जाए। पूरे दिन देखभाल करनी पड़ेगी, कहीं जाऊंगी तो इस स्टैंड को उठाकर नहीं आप कोने में रख जाती हूँ मैं। तो ये भी नहा रहे हैं बारिश में, एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया से। और देखो यहाँ पर मेरे ये वाले पौधे कितने अच्छे हो रहे हैं बारिश की वजह से, एकदम खिल उठे हैं पूरे के पूरे पौधे मेरे। और ज्यादा मैं अभी नहीं उगा सकती, मैं उगाऊंगी एक दिन आएगा तब। और ये डोरमेट डाले हैं मैंने धोने के लिए, एक बार तो निचोड़ दिया मैंने अच्छी तरह से पानी में, अब दोबारा निचोड़ रही हूँ। बारिश में ना सबसे ज्यादा अगर कुछ गंदा होता है ना तो डोरमेट, पहले इनको हाथ से धोया, अब इनको मशीन में धोया, फिर अब मशीन में निचोड़ रही हूँ। तो यहाँ पर ना जो भी मैंने डोरमेट डाले थे ना यानी धुल चुके हैं, बस उनको मुझे ड्रायर में डालना है, तो धो देती हूँ। हालांकि बारिश तो हो ही रही है, लेकिन बारिश के टाइम पे ना डोरमेट बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो
अभी पता है इनको धोते धोते ना मेरा नाखून भी टूट गया, तो इसी वजह से ना मेरे नाखून बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि कपड़े धोने में ना मेरे नाखून हमेशा टूट ही जाते हैं, और डोरमेट धो ना तो हाथों को बार बार धोना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा ना इरिटेटिंग लगता है। और यहाँ पर है ना, मैं आई तो देखा तो जय, मैं नहीं आई थी, ये आरू ने वीडियो पीछे से शूट की अपने पापा की, तो मैंने तो अभी देखा है, तो ये यहाँ पे बना रहे हैं पकोड़े, क्योंकि मैं जा चुकी थी नहाने के लिए, तो यहाँ पे बन रहे हैं इनके। इसमें अंदर इन्होंने गोभी भी डाल दी थी, गोभी, प्याज, शिमला मिर्च, आलू, हाँ ये सारी चीज़ें इन्होंने डाली थी इनके अंदर। और यहाँ पर ना जय बना रहे हैं गर्मा गर्म बारिश वाले पकोड़े, या फिर भजिए बोल लीजिए। और अभी पता है टाइल्स के ऊपर एक चींटा देखा था मैंने, जो कि वो जा चुका है। मेरे किचन में ना इन चीज़ों की बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे मैं कैसी भी दवा डाल दूँ ना ये नहीं जाते। और यहाँ पे इनके गर्मा गर्म पकौड़े बन चुके हैं, जो कि देखकर बड़े अच्छे लग रहे हैं, और सच बताऊँ जय ने बहुत अच्छे बनाए भी थे, क्योंकि जय को ना कंप्लीट खाना बनाना आता है, वो करते नहीं हैं काम लेकिन आता उनको सब कुछ है, तो ये बेनिफिट है मुझे कि मैं बीमार वगैरह हो जाती हूँ ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, मेरे हस्बैंड सब कुछ संभाल लेते हैं। तो मैं नहा कर आ चुकी हूँ, और नहाने के बाद मेरा पहला काम ये था कि मुझे मंदिर के सारे बर्तन साफ़ करने थे, तो मैं एवरीडे अपने मंदिर के बर्तनों को धोती हूँ, पीताम्बरी से धोती हूँ, और ठाकुर जी, लक्ष्मी, गणेश, इन सबको अच्छे से नहलाती हूँ, यानी स्नान तो कराना ही होता है, और बर्तन वगैरह पहले धो लेती हूँ, उसके बाद ना मैं भगवान जी को स्नान कराऊँगी, और उसके बाद फिर मैं करूँगी पूजा। तो यहाँ पर अभी मैंने लक्ष्मी, गणेश और ठाकुर जी का स्नान करा दिया है, तो पहले मैंने इनको दही वगैरह से स्नान कराया था, लेकिन क्या है कि वीडियो बनाने के चक्कर में ना हम अच्छे से ना अपना काम नहीं कर पाते हैं, तो वो सब मैंने स्किप किया, मैंने केवल पानी से उनको जब साफ़ किया ना एंड में बस वो दिखा दिया है। और चलिए अब चलते हैं हम हमारे मंदिर की तरफ, तो अभी बस मुझे सारे भगवान जी अच्छी तरह से ना कपड़े पहनाने हैं, उनके कपड़े भी चेंज करने हैं, तो मैं ना ठाकुर जी के कपड़े एवरीडे तो नहीं चेंज करती, लेकिन हाँ कभी कभी चेंज कर देती हूँ, तो दो दिन तो चला ही लेती हूँ। तो बस अभी है ना सब मैंने भगवान जी को अच्छे से साफ करके बिठा दिया, और आज मैं ठाकुर जी की ड्रेस भी चेंज कर रही हूँ, तो दो दिन ही चलाती हूँ, इससे ज़्यादा मैं उनकी ड्रेस नहीं चलाती हूँ, दो दिन मैं चेंज कर देती हूँ। और ठाकुर जी की जो पोशाक वगैरह जो होती है ना वो मैं उस तरह से एक बॉक्स में करके रखती हूँ, तो वो गंदी भी नहीं होती हैं और बहुत ही आसानी से रखी भी रहती हैं, मुझे बहुत आसानी से मिल भी जाती हैं, क्योंकि छोटी छोटी सी पोशाकें होती हैं वो इधर उधर ना हो जाना, तो मैं एक छोटे से डब्बे में रखती हूँ। और यहाँ पर अब मैंने अपने ठाकुर जी को कर दिया रेडी, और बस अब उनको आसन में बिठा दूंगी, और उसके बाद है ना मैं पूजा वगैरह करूंगी और अपना सुंदरकांड का जो पाठ है वो करूंगी। तो सावन के पहले दिन से ही ना मैं सुंदरकांड का पाठ ना वो कर रही हूँ, और देखती हूँ कि मेरी बुक कब फिनिश होती है, और मैं फिनिश हो जाएगी तो मैं फिर से रिपीट कर लूँगी। और सच में गाइस, जब भी हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं ना तो दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है मुझे कॉमेंट करके बताना। और अभी है ना जो बाती होती है ना दिए की वो ख़त्म हो गई है, तो मेरी आदत है ना कि ख़त्म भी हो जाती है ना तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ, मैं बाहर से वैसे जो मिलती है ना मार्केट में मैं उनका यूज़ नहीं करती, मुझे ये सारी चीज़ें ना अपने घर पे ही करना अच्छा लगता है। और बाती हो गई, ये सारी चीज़ जितनी है ना हो सके मैं अपने घर पर ही बनाती हूँ, और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कभी बाहर से बाती खरीदी है या नहीं। तो बस अभी है ना देखो मैं पूजा कर रही हूँ, और मोलू यहाँ पर आ चुका है, और आरू है ना वो अभी तक नहा ही नहीं है, मैंने आरू को बोला कि तू नहा ले, और मोलू है ना उसको तो मैंने नहला दिया था अपने साथ ही, तो वो रेडी हो चुका है। और यहाँ पर हम माँ बेटे कर रहे हैं पूजा, और आरू मैडम हमारी देख रही हैं टीवी। तो चलिए मैं यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद हम अपना सुंदरकांड का पाठ करेंगे, जो कि मैं आपको सुनाऊँगी भी, क्योंकि जब हम वीडियो में कोई चीज़ बताते हैं ना तो काफ़ी लोग पता है क्या होते हैं, झूठ बोल रही हैं वॉइस ओवर करके, रियलिटी तो छुपा देते हैं। तो जी हाँ, मैं सुंदरकांड का पाठ ही पढ़ रही थी, जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी, सुनाऊंगी, और इस बहाने आप लोगों को भी ना सुंदरकांड की कुछ पंक्तियाँ हैं ना सुनने को मिल जाएंगी। और जब भी मैं पूजा करने आती हूँ ना तो मोलू हमेशा मेरे साथ आता है पूजा करने के लिए, और यहाँ पर अब मैं दे दूँगी पूरे घर में आरती, ताकि घर में एक अच्छी सी शुद्धता सी हो जाए। तो चलिए मैं आरती वगैरह कर लेती हूँ, सुंदरकांड का पाठ कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, और उसके बाद मुझे किचन में जाना है, खाना भी बनाना है, जो हमारा रेगुलर का काम होता है वही। मंदिर मंदिर प्रति करि सोता, देख जहां त अग्नित जोता। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग,
तो अभी अभी मेरी पूजा खत्म हो चुकी और मेरा सुंदरकांड का जो पाठ है ना वो भी खत्म हो चुका, क्योंकि मुझे ना सावन के महीने में सुंदरकांड का पाठ करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे संस्कृत पढ़ना आता भी है, तो भगवान की दया से मैं पढ़ लेती हूँ काफी अच्छी तरीके से। तो बस मेरा पाठ वगैरह कंप्लीट हो चुका और अब मैं है ना यहाँ पर बनाने जा रही हूँ। जो बेसन का घोल जो छोड़ गए थे ना, बस इतना सा छोड़ा है उन्होंने, तो अब मैं बना लेती हूँ। एक दो मैं खा लूंगी इसमें से, बाकी बच्चों के लिए खिला दूंगी, तो ये ना मॉर्निंग का नाश्ता हो जाएगा। वैसे मैंने मेरे लिए दलिया बना लिया है तो रखा है फ्रिज में। एक मिनट, एकदम कम कम सी आ रही है, एक मिनट। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप में से ना कौन कौन है ना सुंदरकांड का पाठ कर लेता है, यानी सुंदरकांड ना पढ़ना आता है उनको, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मुझे ये सब चीज बहुत अच्छी लगती है। और जब मोलू मेरे पेट में था ना, यानी मैं प्रेग्नेंट थी ना, तब मैंने रामायण का पाठ किया था। अपने घर पे ही पढ़ती थी बैठ के, और दोपहर के टाइम पे फ्री होती थी ना काम वाम करके, फिर मैं रामायण पढ़ती थी। लेकिन है ना मेरी रामायण पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि सातवें महीने में मैंने पढ़ना स्टार्ट की थी और मैं बीमार हो गई थी। और फिर रामायण है ना मेरी सासू माँ की थी, तो वो मुझे पढ़ने भी नहीं देती थी, ले गई अपने घर चले जाके रख ली, तो मेरी रामायण है ना वो अधूरी रह गई है। तो अभी रामायण है ना मैं सोच रही हूँ कि जब कभी कहीं जाएंगे ना तीर्थ स्थान पे, तो वहां से मैं रामायण लेकर आऊंगी। और एक मुझे भगवद गीता लानी है। भगवद गीता मैंने अपने कुंवारे में पढ़ी थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तब मैं पढ़ती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ना, तो मैं उसको पढ़ती थी। वो तो मैंने कंप्लीट भी कर दी है, दो बार भगवद गीता मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन रामायण का पाठ है ना मेरा वो अधूरा रह गया है। लेकिन मेरे पास रामायण की जो बुक होती है ना वो नहीं है, तो जब कभी लाऊंगी उसके बाद दोबारा से पढ़ूंगी, क्योंकि मेरी वो अधूरी रह गई। और प्रेगनेंसी में कहते हैं कि रामायण का पाठ करना चाहिए, बच्चे पे बहुत अच्छा असर होता है। लेकिन मैंने मम्मी से बोला, मम्मी रखे रहने दो मेरे घर पे, मैं पढ़ लूंगी, क्योंकि मैं ज्यादा देर नहीं बैठ पाती थी, थोड़ी थोड़ी देर बैठती थी, लेकिन वो लेके चले गई, उन्होंने दी ही नहीं। और ये रियलिटी है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, जो सच्चाई है ना बस वही बता रही हूँ। तो रामायण मेरे पास नहीं है, और सुंदरकांड है ना वो भी मेरे पास नहीं था, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मंगाया है। तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना पढ़ना, मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए अब है ना माता भगवान जी को भोग वगैरह सब लग चुका है, और अब मैं करने जा रही हूँ यहाँ पे पकोड़े बना रही हूँ। चलो तो पकोड़े बनाते हैं, बच्चों को नाश्ता देते हैं, उसके बाद खाना पीना बनाएंगे। तो बस अब मैं मंदिर से फ्री होके आ चुकी, और यहाँ पर जो घोल बच गया था ना, यानी जय ने खा लिया और वो छोड़ गए थे बचा हुआ घोल, क्योंकि मैं तो नहाने चली गई थी, मुझे तो कुछ पता नहीं था उन्होंने क्या किया है। तो बस जो बच गया था ना वो थोड़ा सा बना दूंगी, एक या दो पकोड़े मैं खा लूंगी, क्योंकि मैं अपने लिए दलिया बनाऊंगी, मैं पकोड़े ज़्यादा नहीं खाने वाली थी, एक दो बस, वही मुँह का स्वाद इतना तो बहुत है। और उसके बाद है ना ये दलिया मैंने पहले ही बना लिया था, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ है ना इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दलिया में ना सरसों का तेल लिया है, और हींग, जीरा, प्याज, आलू ऐसे नहीं डालने चाहिए बट मैंने डाल दिए, क्योंकि आरू भी खाएगी इसको, और प्याज, शिमला मिर्च सब डाल दिया। आपके पास अगर बीन्स हो तो आप वो डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, आप इस दलिए के अंदर जो मर्जी आए वो सब्जी डाल सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है। बस आपको इसके अंदर थोड़ा ऑयल कम कर देना है। मेरे कुकर में ना तेल मुझे दिखा नहीं था, बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर मैंने कहा कि चलो अब डल गया है तो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा नहीं था, पर हाँ मेरी यानी जिस हिसाब से मैं अभी कम खाना खा रही हूँ उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो गया था। मसाले में केवल यहाँ पे धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर भी बिल्कुल मामूली सा डाला है मैंने, ताकि तीखा ना लगे। और यहाँ पे मैं डाल दूंगी 3 ग्लास पानी, यानी अगर 2 ग्लास 2 चमचे अगर आप दलिया ले रहे हो ना तो 3 ग्लास आपको पानी डालना है, स्वाद अनुसार नमक डालना है। और बस यहाँ पे ना मैंने चेक कर लिया कि कितना पानी है, अच्छे से चला देना है, फिर आपको कुकर का ढक्कन लगा देना है, 3 सीटी देनी है और आपका दलिया बनके हो जाएगा रेडी। तो देखिए यहाँ पे मेरा दलिया बनके हो चुका है रेडी। तो पहले मैं आरू के लिए प्लेट लगाऊंगी, क्योंकि आरू को ना दलिया बहुत ज़्यादा पसंद है, और आरू के लिए मैं दलिए के अंदर डालूंगी घी, क्योंकि बच्चा है, बच्चे के लिए घी खाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं आज खाना बनाऊंगी, और पता है आपको खाने में क्या बना था? आलू की सब्जी और राइस, इसलिए मैंने दलिया बना लिया था। पहले दुपट्टा मेरा इतना हैवी है ना यार, ये संभलता और नहीं है दुपट्टा। बारिश की बूंदें स्टार्ट हो गई, ये मेरे घर के पिछवाड़े का नहीं साइड की जगह कितनी गंदी लगती है, बहुत गंदगी है बगल में बहुत ज़्यादा। तो
अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि है ना मुझे चूड़ियाँ पहननी थी, मेरी हरी कलर की जो चूड़ियाँ है ना वो सारी ख़त्म हो चुकी थी। और मुझे कमेंट भी आ रहे थे, दी आपने हरी कलर की चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी, क्योंकि पता है मेरे पास 2 दर्जन से ज़्यादा चूड़ियाँ थी, लेकिन धीरे धीरे करके ना वो सारी टूट चुकी, चली गई यानी काम वाम करने में। तो फिर मैं आई और मैंने कहा चलो मार्केट जाते हैं, हरी कलर की चूड़ियाँ लेकर आते हैं, क्योंकि सावन में तो सब कुछ हरा ही हरा होता है। तो चूड़ियाँ है ना थी नहीं, ख़त्म हो चुकी थी, इसी वजह से ना मैंने कल है ना जो साड़ी पहनी थी ना मैं उसमें भी हरी चूड़ियाँ ही पहनने वाली थी। वैसे ग्रे कलर की चूड़ियाँ भी मेरे पास हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं पहनी थी। तो यहाँ पर अब मैं ना अपनी चूड़ियाँ लेने आई हूँ, और अब ये दूसरी दुकान है, और ये जो लड़का बैठा है ना इसका नाम सनी है, ये राजा का दोस्त है, मेरे घर के सामने ही रहता है। तो ये मुझे बोला था, बोले चाची मल्टी कलर की ले लो, और जय को भी ना मल्टी कलर बहुत अच्छा लगता है सावन में। तो मैंने कहा चलो भैया अब पतिदेव की मर्जी ही पूरी करते हैं। तो यहाँ पर अभी है ना वो मेरे लिए सेट बना के दे रहा है। वैसे मैंने देखो आज भी हरी कलर की चूड़ी पहनी है, मुझे हरी कलर की चूड़ियाँ पहनना वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर आप गोल्ड की चूड़ियों के साथ पहनते हो ना तो इनका जवाब ही नहीं होता। तो यहाँ पर है ना सनी बना के दे रहा है मुझे पूरा सेट, और मैं ना इससे हंसी मजाक भी बहुत कर रही थी, क्योंकि भैया मेरा बेटा लगता है ये और मैं इसकी चाची लगती हूँ। तो मैंने कहा सनी चला आज तू मुझे अपनी दुकान से दे। और ये लोग है ना वैसे चूड़ियाँ कम रखते हैं, इनका ना होल सेल का काम है चूड़ियों का, यानी फिरोज़ाबाद से लाते हैं और यहाँ पर पूरा का पूरा जो होता है ना होल सेल का काम करते हैं, बट थोड़ी बहुत चूड़ियाँ इस तरह से भी रख लेते हैं जो हमारे काम आ जाती हैं। तो हम लोग है ना घर पे आ गए, और देखिए मेरी चूड़ियाँ। तो यहाँ पर ना ऐसे रंग बिरंगी चूड़ी पहनी जाती है, और मैं ना हरी कलर की पहनती हूँ, आप लोगों को पता ही है, ये लास्ट वाला जो हरा है ना ये मेरा फेवरेट कलर है ग्रीन में, बट यहाँ पर ऐसी नहीं मिली, यहाँ पे डार्क वाली आगे है ना जो वैसी मिली। तो मैं हरी चूड़ी पहनने गई थी तो जैन ने मुझे इस तरह की चूड़ियाँ पहनाई मल्टी कलर की, और सावन में ना यहाँ पे इसी तरह की चूड़ियाँ पहनते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये थी मेरी सावन की चूड़ियाँ, हरी न होके सारे कलर इकट्ठे, सारे कलर। तो ये थी मेरी आज की सावन की शॉपिंग चूड़ियों की, और ग्रीन कलर की भी चूड़ी लेके आई हूँ मैं, प्लेन ग्रीन 2 दर्जन लेकर आई हूँ। तो ना मेरी थी पहले वाली, लेकिन वो सब है ना टूट जाती हैं, कांच की चूड़ियाँ काम करते करते सब बढ़ जाती हैं, तो फिर है ना ये लेकर आई। तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, साथ ही साथ मैं इस वीडियो को एंड भी कर देती हूँ। और खाना पीना सब कुछ हो गया, और अभी बज रहे हैं शाम के 4:45, और बाहर बहुत अच्छी हो रही है बारिश, और देखो मोलू ने खिलौने को कैसे सांप की तरह बना के डाल दिया है। तो चलो आप लोगों को बारिश दिखा देते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को कर देते हैं एंड। अब हम कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ये देखिए बारिश, कितनी मस्त बारिश हो रही। तो चलिए बाय बाय, और कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मुझे कोई कह रहा था दी आप गुजराती साड़ी पहनकर दिखाइए, तो हाँ डियर मैं ना एक आध दिन के व्लॉग में ही पहन लूंगी। तो चलिए फिलहाल तो इस व्लॉग को करते हैं बाय बाय, टाटा, कल मिलेंगे। और जाते जाते लाइक करना, और वीडियो देखने से पहले ही लाइक कर देना, अब मैं एंड में बोल रही हूँ। सो बाय बाय, लव यू।